हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट सी जी अपडेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट है छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के, और आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की ओर से ये एक लेटर जारी किया गया है जिसमें साफ साफ जो सूचना मिल रही है उसके बारे में अपडेट देखने वाले हैं। फाइनली इसकी अपडेट आ चुकी है। चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर लेटेस्ट वैकेंसी से रिलेटेड बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट आपको लेटेस्ट टाइम पर मिलती रहती है। ठीक है, इस लेटर को जारी किया गया है। विषय आप देख सकते हैं, छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द की के पद पर सीधी भर्ती की नियुक्ति हेतु यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों को प्रदायित आरक्षण संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए इसको जारी किया गया है। लेकिन इसमें पूरे पूरे जो संकेत मिल रहे हैं ये भर्ती के बारे में अपडेट यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, कितने पदों की भर्ती है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छात्रावास श्रेणी द के सीधी भर्ती हेतु 300 पदों की भर्ती करने हेतु विभाग द्वारा सहमति प्रदान की गई है। ठीक है, इससे पहले 500 पदों पर भर्ती निकली हुई थी CGPSC के माध्यम से 500 पदों पर, लेकिन फिर उसको स्थगित कर दिया गया था ये कह करके कि अन्य विभागों की जानकारी लेकर के पदों की संख्या बढ़ा करके जो है वैकेंसीज जारी की जाएंगी। लेकिन अब जो है यहाँ पर जो स्वीकृति मिली है वो 300 पदों की मिली है। ठीक है, फिलहाल पदों को घटाया गया है, लेकिन 300 पद भी कम नहीं है, और अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो 300 पद में से भी एक पद आपके लिए कारगर साबित हो सकता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ एक पद ही चाहिए। यहाँ पर कुल 1510 पदों को व्यापम के माध्यम से सीधी भर्ती की गई थी। सीधी भर्ती व्यापम के माध्यम से ली गई थी, जिसमें प्रतिपूर्ति होने के पश्चात भूतपूर्व सैनिकों की लगभग 120 पदों पर अभ्यर्थी न मिलने के बाद पदों की पूर्ति नहीं हो पाई। ठीक है, तो ये जो है अलग मामला है जिसके लिए लेटर जारी किया गया है। फिलहाल आपके काम की जानकारी यही है कि छात्रावास अधीक्षक यानी हॉस्टल वार्डन के 300 पदों पर भर्ती आएगी। यहाँ पर देख सकते हैं, अतः वर्तमान में 300 छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के सीधी भर्ती के पद पूर्ति के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य, ठीक है, तो ये अवगत कराने के लिए इस लेटर को जारी किया गया है। फिलहाल आपके काम की जानकारी, 300 पदों पर भर्ती आने वाली है और ये जो है बहुत ही जल्द इसके लिए भर्ती आएगी, और आप अपनी तैयारी करते रहिए। अगर इस परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं छात्रावास श्रेणी द की, छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द की, तो अपनी तैयारी पर और लग जाइए और सिलेबस के हिसाब से तैयारी करते रहिए। आप कमेंट करेंगे तो मैं सिलेबस के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आपने कई बार इसके लिए सिलेबस देखा होगा और मैं भी कई बार इसके लिए सिलेबस पर वीडियो बना चुका हूँ, तो आप पुराने वीडियो भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, मैं हो सके तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिलेबस का लिंक दे दूंगा या फिर एक नया वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी तक, क्योंकि ये जो है बड़ी खबर है, ताकि आप अपनी तैयारी जारी रख सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।